चलिए एक और अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, जहां पर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दी फाइव बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अगेन इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर जो है बहुत ही, वैसे कहा जाता है कंटेंट इज किंग। अब क्यों कहा जाता है, चलिए आज के इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में जानकारी इसकी लेते हैं। और जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर आपको चैनल पसंद आए, वीडियोस पसंद आए तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, बेल का आइकन प्रेस कर देना, लाइक और शेयर कर देना। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ में, दी फाइव बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। सो फाइव बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग की अगर बात कर रहे हैं तो पहला जो आता है वो आता है आपका रीच ऑब्लिक अट्रैक्ट। यानी कि जब भी हम कोई कंटेंट मार्केटिंग करते हैं उससे क्या होता है कि आपकी रीच बढ़ जाती है, आप लोगों तक पहुंच पाते हैं, आपके पास में ट्रैफिक आने लग जाता है और वो ट्रैफिक जो है स्लोली ग्रेजुअली कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में बढ़ोतरी लाता है, चाहे वो किसी भी तरह का आपका बिजनेस हो, चाहे प्रोडक्ट का हो या सर्विस का हो। यानी कि आप लोगों को अट्रैक्ट करने का काम जो है वो कंटेंट मार्केटिंग से कर सकते हैं। फिर सेकेंड अगर बात करें दी एंगेजमेंट, यानी कि कंटेंट। अब देखिए अगर मैं अगर पर्सनल बात करूं तो मैं हर वक्त आप लोगों के साथ में एनी टाइम 24/7 अवेलेबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर मान लीजिए जिसके ऊपर मैं, जिस टॉपिक के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, जिस टॉपिक को मैंने कवर किया है, तो डेफिनेटली अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है और आपने सर्च करा और आपको ये वीडियो मिल गया तो व्हाट विल हैपन इज कि आपके साथ में एक एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। आपको जो है मैं अवेलेबल नहीं हूं बट स्टिल मैं आप लोगों तक जो है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहा हूं, तो यहां पर जो है एंगेजमेंट कंटेंट की तरफ से बढ़ जाता है। तीसरा आपको बेनिफिट मिलता है जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट फैक्टर जो है वो यहां पे एक जनरेट हो जाता है। बिकॉज अगर आप रेगुलर चीज को करते हो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर तो एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं आ जाता है। और इसके जरिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आई एम श्योर आप लोगों सभी को मालूम है, राइट, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है वो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, तो बेसिकली वो क्या है, वो एक कॉन्टेंट ही क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और इस वजह से जो है बहुत लोग जो उनके ऑडियंस हैं वो उसको खरीद लेते हैं। क्यों खरीद रहे हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो पैसा दे रहा है या फ्री दे रहा है इसलिए खरीद रहे हैं, वो इसलिए खरीद रहे हैं कि सामने जो भी पर्सन कंटेंट मार्केटिंग के जरिए, यानी कि वीडियो भी एक कंटेंट मार्केटिंग है, इस वीडियो के माध्यम से जो बोल रहा है उसके ऊपर में आपको ट्रस्ट है, इसी वजह से वहां पर उनके द्वारा बताए गए जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको लोग खरीदते हैं या यूज करते हैं, तो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो यहाँ पे कंटेंट की वजह से क्रिएट हो जाता है। चौथा जो होता है वो आपका आता है यहाँ पे कन्वर्ट, यानी कि प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो आप जो भी एक्शन, जिसको हम कॉल टू एक्शन के नाम से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर संबोधित करते हैं, सो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर जो है हम जो वट एवर द कॉल टू एक्शन, जो भी हमारा कॉल टू एक्शन होगा वो कॉल टू एक्शन जो है वो आपका हो जाएगा, यानी कि आप जो भी बोलोगे वो करेगा। अगर आप बोलोगे प्रोडक्ट खरीदना है तो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, अगर आप बोलोगे ये सर्विस यूज करना तो सर्विस खरीद की आप यूज करेंगे जो भी आपका ऑडियंस है। सो बेसिकली यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कन्वर्जन जो है वो आपका ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। पांचवा क्या है कि अगर जो है आप कंटेंट मार्केटिंग के जरिए जो भी उनकी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल करने के बाद में अगर आप उनको उसको कैसे यूज करना है, उसमें कैसे लेट से कोई सर्विस कैसे की जा सकती है खुद ही फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो इस तरह के कुछ आप कंटेंट मार्केटिंग के जरिए जो है रिटेनरशिप जो है वो आप कर सकते हैं अपने ऑडियंस की। तो ये पांच ऐसे बेनिफिट्स हैं या पिलर्स हैं जो कि कंटेंट मार्केटिंग के जरिए क्रिएट किए जा सकते। अब इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या ये वाकई ये बेनिफिट देता है, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं द बेनिफिट्स। सो बेसिकली इसका बेनिफिट की बात करें तो ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो आपकी मार्केटिंग के अंदर देता है, जिसको हम कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर चाहे आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की बात करें, उस पर शॉर्ट्स बना के आप करें तो वो भी एक कॉन्टेंट मार्केटिंग है, कोई पोस्ट डालकर करें वो भी कॉन्टेंट मार्केटिंग है, या फिर ब्लॉग के ऊपर हम कोई आर्टिकल लिख के करें वो भी कॉन्टेंट मार्केटिंग है, यूट्यूब का इस्तेमाल करके YouTube के ऊपर में वीडियोस डाल के जो आगे एंगेजमेंट होती है ये भी कंटेंट मार्केटिंग। सो ये सारा जो है ये एक कंटेंट मार्केटिंग जो है वो कहलाती है। सो बेसिकली अभी आपको जो है आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपको बीच में खराटे की आवाज आ रही है तो वो इसलिए आ रही है, ऐसा नहीं कि मैं नाइट में शूट कर रहा हूं। सो बेसिकली मेरा प्यारा सा डॉगी जो है वो मेरे पास में यहाँ पे सो रहा है, उसके खराटों की आवाज है, तो उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। खैर एनीवेज टॉपिक पे वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट ये कैसे डालता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट की पहले अगर बात करें, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म में, अगर आप कॉन्टेंट मार्केटिंग करके और सोच रहे हो कि मैं कम समय के अंदर जो है बेनिफिट्स ले लूंगा, तो ये यहां पर लॉस हो जाता है। बेसिकली कंटेंट क्या है, एक ऑर्गेनिक तरीका है रीच को इंक्रीज करने का और एक बहुत लंबे समय तक जो है काम किया जा सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होता है कंटेंट मार्केटिंग के जरिए। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि मैं पहला एक यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट करूं, अभी एक वीडियो पब्लिश करूं और अभी जो है मेरा चैनल ग्रो कर जाए, मिलियंस में मेरे सब्सक्राइबर चल जाएं और बिलियंस के अंदर जो है मेरे पास में व्यूज आने लग जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ हम एक सोच सकते हैं, एक आपका थॉट प्रोसेस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात करें तो प्रैक्टिकली ये जो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो लेकिन अगर वही यूट्यूब चैनल पे आप रेगुलर कुछ वीडियोस डालते चले जाएंगे तो फिर आपका एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट आने लग जाएगा, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी व्यूअरशिप हो जाएगी इंक्रीज, एंड ऑफकोर्स उसके साथ साथ जो है आपको मॉनिटरी बेनिफिट भी स्लोली ग्रेजुअली बेस्ड ऑन कि किस तरह की आपकी निश है या किस तरह का आपका कंटेंट है, कितना इंगेजिंग है वगैरह वगैरह, काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको अगर मिला के देखा जाए तो आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की, तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें, यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको ये जो कंटेंट मार्केटिंग है, एक तो ये फ्री में भर भर के ट्रैफिक देने लग जाती है और साथ ही साथ जो आपको काफी सारी लीड्स जो हैं आपको मिलने लग जाती हैं। यानी कि अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं तो एक थॉट प्रोसेस हमेशा याद रखें कि आपका जो कंटेंट है वो आपका किंग है, राइट। और किंग जो है वो हमेशा लंबे समय तक जो है राज करता है और कंटेंट जो है वो आपका किंग है। तो आप अगर आज यूट्यूब के ऊपर में अगर मैं बात करूं मेरे इस दूसरा जो चैनल है विच इज कॉल्ड टेक गुरु मंजीत, तो टेक गुरु मंजीत का जो चैनल है उसमें मैंने एक 2016 के अंदर आई बिलीव हाँ 16 के अंदर मैंने एक वीडियो शूट करी थी मेरी नेटवर्किंग रैक को सेटअप करते हुए। उस वीडियो ने आज उसके मिलियंस में व्यूज हैं और उसकी वजह से मेरे पास में जो है ऑलमोस्ट मेरे जो 50% जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उसी वीडियो से आए हैं और उसी की वजह से जो है हर साल जो है मैं लाखों रुपए कमा पाता हूं। एक वीडियो जो है वो चल गई और उसने मेरे चैनल को बूस्ट कर दिया, यानी कि वो आज भी परफॉर्म कर रही है। लेकिन एक ही वीडियो बनाकर अगर मैं रुक जाता तो डेफिनेटली मेरा चैनल का ग्रोथ जो है वो नीचे चला जाता। लेकिन क्योंकि मैं उस चैनल पे भी रेगुलर वीडियोस जो है रिलेटिव कंटेंट जो है सिमिलर वीडियोस जो है कंटिन्यू अपलोड करते जा रहा हूं, तो मेरा चैनल ग्रो भी कर रहा है, प्लस एट द सेम टाइम मैं अर्न भी हर महीने कर रहा हूं और जो है यहां पे मेरा चैनल का जो रीच है वो भी बढ़ रहा है। अगर उस चैनल की बात करें तो उस चैनल की वजह से हमें काफी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं जिनका वैल्यूएशन लाखों में होता है और उसी की वजह से हमारे पास में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको हम ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से भी हम लाखों रुपया जनरेट कर रहे हैं। सो ऑल टुगेदर देखा जाए तो एक कंटेंट की वजह से, यानी कि उस यूट्यूब चैनल की वजह से विच इज आर कंटेंट मार्केटिंग, तो उसकी वजह से हम हर साल हर महीने जो है काफी बड़ा अमाउंट जो है वो जनरेट कर पाते हैं।
तो सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए भी काम करेगा। आप बोलोगे सर यूट्यूब तो ठीक है लेकिन ब्लॉग के जरिए, डेफिनेटली अगर देखा जाए तो आप यूट्यूब गूगल पे आज की डेट में मैक्सिमम जो सर्च है वो आज भी लोग कहां पे करते हैं, यूट्यूब के गूगल के ऊपर में और यूट्यूब के ऊपर में। अगर गूगल क्या है, वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन है, तो वहां पर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और आपको उसका सॉल्यूशन कहीं पे नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल जो लिखा हुआ है या बेसिकली ब्लॉग लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या क्या स्टेप्स बताए गए हैं, और उसके जरिए भी आज की डेट में बहुत सारे जो लीड्स हैं वो जनरेट की जा सकती हैं। सो बेसिकली यहां पर क्या है, ये सब काम करने के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, उसके बाद जो है ये कॉन्टेंट मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो आपको एक बेनिफिट देती है। बिकॉज जिस दिन आप वो वीडियो पब्लिश करते हो तो हो सकता है कि आपको लगे यार ये वीडियो मुझे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई वीडियो बूस्ट कर गया तो वो आपके लिए बेस्ट है। सिमिलर चीज आपके आर्टिकल्स के लिए, जिस दिन पब्लिश करोगे यू मे नेवर नो कि वो आपका परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन परफॉर्म कर गया, गूगल के किसी भी सर्च इंजन में नंबर वन पे आ गया या पहले टॉप फाइव में आ गया, तो भर भर के आपको ट्रैफिक देगा और इतना ट्रैफिक आएगा, इतनी लीड जनरेट होगी कि डेफिनेटली वो आपको फिर बहुत एक लंबे समय तक जो है वो बेनिफिट देने वाला है। सो आई होप गाइस कि ये आज का जो टॉपिक हमारा है उसके अंदर आपको मैंने काफी सारी बेनिफिट दिया है, बताया है, डिटेल के अंदर कोशिश करी है कि कंटेंट मार्केटिंग का क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करी है। और इसी तरह के और अगर आप वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलता हूं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ, एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।